कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ही ठीक नहीं हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। इस बार तबीयत जैसे सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी एनिवर्सरी के दिन ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये रिंग भी देखिए, इसमें पहने हुए सारे हाथ मेरे। अभी तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि पूरा दिन छत पे लेटे हुए थे, सूजन हो गया था, थोड़ा सा ठीक हो गया, नहीं तो उंगली में रिंग फंस गया था। निकाल के किसी भी तरह से इसमें कर लिए थे। आँख भी देखिए, आँख काफ़ी फूला फूला सा है। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, गए डॉक्टर को दिखाए तो एडमिट कर लिए। 3-4 बोतल पानी भी चढ़ा। सुई की तो खैर वहाँ पे कोई गिनती नहीं होती, समझ में नहीं आता। सुई तो अनलिमिटेड रहता है। भाई फिर से यहाँ पे लगाए थे, आज तो थोड़ा बहुत निशान निकल गया है। आज निकाले हैं बैंडेज जो लगा के छोड़े थे, आज निकाले हैं। फिर से पानी, 4 बोतल पानी चढ़ा। पूरा दिन एडमिट थे और थोड़ी बहुत मतलब था कुछ भी दवाई वाई ये सब करे, पूरा दिन अपने पास रखे। सुबह 10 बजे के गए, रात को 9 बजे आए। काफ़ी दिक्कत पड़ गई है इसी वजह से। वीडियो क्या, जब कुछ शरीर ही सही नहीं है तो वीडियो कहाँ से बनेगा और काम कहाँ से? कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। और मेरा वीडियो मोस्टली ब्लॉगिंग किचन का ही रहता है। तो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे, जान जाते हैं ना कि माँ बीमार है, माँ ज़्यादा कुछ करेगी नहीं। तो इसी में इस समय उन लोगों का एग्ज़ाम भी चल रहा है। कल वहाँ से डर लग रहा था, कुछ तैयारी नहीं करेंगे, बोलो नहीं तो ये लोग अपने मन से नहीं पढ़ते हैं। तो कल वहाँ से फिर बोले कि पढ़ाई करिए। देव का आर्ट था आज, तो खैर उसको थोड़ा बहुत ड्राइंग करना था बस। ओम का हिंदी का एग्ज़ाम था, फिर बोले वोले तो थोड़ा बहुत पढ़े थे, फिर आए तो उसके बाद पढ़े। काफ़ी दिक्कत बढ़ गई है, पता नहीं इतना ज़्यादा दिन कभी बीमार पड़े नहीं है ना, तो मूड ख़राब हो रहा है, एकदम उलझन हो रही है। वीडियो भी अब रेगुलर तो नहीं भी आ रहा है और आएगा भी नहीं, इधर बीच कुछ दिन तक वीडियो नहीं आएगा। आज थोड़ा सा अभी छत पर से आए तो थोड़ा सा ठीक फील कर रहे थे, वैसे आपको फेस से दिख रहा होगा कैसे हैं हम, तो सोचे पहले वीडियो बना ले बता दें, क्योंकि इधर बीच लगातार मुझे नहीं लगता कि वीडियो आ पाएगा। और 10 दिन तो लगभग चलेगा ही चलेगा ये सब, पता नहीं कब तक रहेगा। पानी उनी चढ़ाने से थोड़ा मुझे बहुत डर लगता है, पानी चढ़ना लेट जाओ और वो रिंग चेंज भी कर लिए, हो जा रहा है अब इसमें, नहीं तो काफ़ी हाथ मोटे मोटे अच्छे लगते हैं मुझे। आप भी सोचेंगे कि बीमार में भी क्या कहते हैं, मुझे मोटे मोटे फूल जाते हैं ना, तो बहुत चिकने चिकने टाइप के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। दिन भर अपना हाथ देख रहे थे, अभी तो फेस आज सुबह से देखे नहीं थे, अभी दिख रहा है काफ़ी फूला फूला सा, मोटे मोटे से हो गए हैं, इसी बहाने थोड़ा सा मोटे भी हो गए। इधर भी 2-3 दिन से तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, अभी लग रहा है कि अभी 8 दिन तो खैर बहुत रहेगा ही। फिर से शुरू से सब स्टार्ट हो गया। इस कमरे का अभी टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है, मजदानी इस कमरे में आए ही नहीं। इसमें मम्मी ओम देव सोते हैं, तो कमरा ऐसे ही बिखरा है, कंबल है। और देखो जब काम करने लगो तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, आए कि इसी में जा रहे लेट में, उधर टीवी देख रहे हैं ये लोग। देखे तो लगा चलो पहले इसको सही करें, बिस्तर पूरा सही कर दिए, मन नहीं लगता। अगर देखे रहो सुबह ये झाड़ू पोछा करके गए थे, इनको भी घर गंदा रहे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब
जानते हैं कि हम कर नहीं सकते हैं, तो अपना जितना हो सकता है, काफ़ी देर में आजकल जा रहे हैं, रोज़ देर में जा रहे हैं। कपड़ा वपड़ा तो इधर उधर थोड़ा बहुत फैला ही रहता है, क्योंकि कर ही नहीं पाते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि सब ध्यान देने लग जाएंगे ना, तो फिर बिल्कुल इतने करने में काफ़ी सांस फूलने लगा। दोनों कमरे का बेड सही किए, सब कंबल फोल्ड करके हटाए। ये वाला चादर भी है ना, इसमें छोटे छोटे धूल टाइप के फंस जाते हैं। अभी कल या परसों में धुले थे, मशीन लगाए थे तो धुले थे, लेकिन फिर वही है। नीचे वाला तो खैर नहीं हटाते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो ऊपर से अंदर है केवल, क्योंकि बस ये छोटा है इसलिए लगाए हैं, तो ऊपर वाला निकाल के धुल देते हैं, फिर उसी को डाल दिए। एक ही एक है, फिर जब समय लगेगा दूसरा लिया जाएगा। गए केवल बच्चों को डांटने के लिए, उस कमरे में टीवी देख रहे हैं तो बदमाशी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गए तो फिर बिस्तर देखे तो उधर का बिस्तर सही किए, उधर से इधर आए तो इधर का देखे तो इधर का सही किए। यही है, छोटा मोटा यही सब काम है, करते हैं। और कभी कभी है थोड़ा बहुत काम कर भी लेते हैं, लेकिन हर समय रिलैक्स नहीं रहते। कभी बैठे हैं अचानक से, लगा सब्जी काटने का तो काट दिए बैठे बैठे, तो अब लगता है इतना छोटा छोटा चीज़ क्या दिखाएं। बिल्कुल काफ़ी थक गए अभी, इतने ही छोटा मोटा काम, मतलब वीडियो से काम चलाइएगा। अभी 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे, 8-10 दिन तक ऐसे रेगुलर भी वीडियो नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान दे रहे हैं, यही सूट में मेरा 1-2 वीडियो पिछला भी इसी सूट में गया है। क्या होता है ना कि एक दिन वीडियो बना लिए, जैसे आज से 3 दिन पहले, हाँ परसों या चौथा रोज़ बनवाए थे, तो फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाए। फिर ये वाला जब पहन लिए तो फिर इत्तेफाक से फिर बना लिए, तो हो जाता है ऐसे। और स्वेटर वैसे बहुत कम पहनते हैं, पहनते हैं लेकिन कम पहनते हैं, ज़्यादातर ये सूट टाइप का ही कपड़ा पहनते हैं घर पे, ताकि ना इससे लगता है कि कुछ अलग से उलन पहना भी नहीं लगता, और दिन भर का भी रहता है कि ठंडी लगने से भी आराम रहता है इसमें काफ़ी। तो यही है, इस तबीयत तो मेरी खैर बिल्कुल सही नहीं है, वो तो आपको फेस से दिख रहा होगा तबीयत कैसा है। आप देखिए काफ़ी फुलफिल है, लेकिन सुंदर मोटे हो गए, काफ़ी मोटे हो गए। और ये सूजन वाली रहती है ना, तो चमक रहती है इसमें, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो चमक वाली, मम्मी इसमें भी कह रही है इसको उसमें भी अच्छा लग रहा है। बुरा सोच के दुखी हुए उससे अच्छा रहता है कि चलो अच्छा ही सोच ले, उससे ही खुश हो जाए, काफ़ी परेशान है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो तो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, अब जा रहे हैं आराम करेंगे, इतना ही काम कर लिए, काफ़ी थक गए, काफ़ी देर पहले से अभी बैठे हैं, क्योंकि खाना खाए, फिर दवाई खाए, पानी अभी गर्म किए अपने लिए, थर्मस में भी भरे और पिए भी, ये सब किए तो काफ़ी देर तक बैठ नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।